नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं साधना चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है औरैया से, आइए देखते हैं इसकी एक बड़ी खबर। छात्रा को अगवा कर कार में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। खबर औरैया जिले से है, जहां फफूंद से कोचिंग पढ़ने औरैया शहर आई एक छात्रा को अगवा कर कार में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं, खुलासा तब हुआ जब डीएम के आदेश के बाद एक सप्ताह बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया। पीड़ित युवती का आरोप है कि इस दौरान आरोपितों ने उसका वीडियो भी बनाया था और युवती द्वारा शादी का आश्वासन देने पर उसे छोड़ा था। हम कोचिंग जा रहे थे, रास्ते में कुछ लड़कों ने, चार लोगों ने मुझे स्कॉर्पियो से घेर लिया और उसमें बंद कर लिया गाड़ी में, पिस्टल लगाया के बोल शांत रहने को बोला। छात्रा ने महिला थाने में शिकायत दी, तब पुलिस ने उसका समझौता करा दिया। शनिवार को छात्रा ने पुलिस को तहरीर दी थी, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक घटना के संबंध पीड़ित छात्रा ने बताया कि 29 नवंबर 2019 को वह अपने घर से औरैया सार स्कूटी से कोचिंग पढ़ने आई थी। वह दोपहर लगभग 2 बजे बाजार से सामान लेकर अपनी स्कूटी से तिलक महाविद्यालय के पीछे पहुंची थी, तभी पीछे से एक कार सवार चार लोगों ने उसकी स्कूटी के आगे गाड़ी लाकर उसे जबरन गाड़ी में डाल दिया, पिस्टल लगाते हुए उसे धमकाया। इस दौरान वह लोग उसका मुंह दबाकर उसे कानपुर की ओर ले गए, जहां रास्ते में उस लोगों में से अंकित यादव निवासी जमालीपुर ने कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। उनमें एक अर्पित यादव भी था। इसके अलावा दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनका असली वीडियो बनाया। पीड़िता का कहना है कि अंकित यादव काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह लोग उसे जान से मारकर फेंकने की भी धमकी दे रहे थे।